कि स्कूल से ये नोटिस मिला है कि आज इन लोग के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इतना कुछ लेकर के जाना है शगुन को, है ना, लंच के लिए। इधर देखिए दो पजामा मंगाए हैं बाबू का, अभी फिलहाल डेमो के लिए लाया गया है, और फिर चार पांच पजामा और मंगा लेंगे ताकि इसका ठंडा निकल। राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति द्वारा से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। तो कैसे हैं आप लोग, आइए। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और कुकर की सीटी का आवाज़ सुनकर आप लोग अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि इस वक्त मैं हूँ किचन में, और सुबह के बज गए हैं 6। मैं उठ करके किचन आ चुकी हूँ, और किचन में आ करके मैंने एक तरफ चावल चढ़ाया है, एक तरफ दाल चढ़ाया है, और दाल में दो आलू डाल दिए हैं, और दूसरी तरफ मैंने आटा गूंथ करके रख लिया है। तो आज शगुन के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसके लिए कल इसकी टीचर मैसेज करी थी कि बच्चों को पूड़ी सब्जी और वन स्वीट दे करके भेजना है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि इतने चार पांच आइटम बनाना, बाबू के लिए अलग से रोटी बनाना है, इसके लिए पूड़ी बनाना है, दाल बनाना है, फिर चावल बनाना है, एक चीज़ तो खिला के भेजना होगा ना, भात वात, तो वो है। दूध भी गर्म कर लिए, फटाफट से पहले रोटी पूड़ी तल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही कढ़ाई है, और एक ही कढ़ाई में दोनों चीज़ बनाना है। तो सब्जी बनाएंगे पहले तो धोना पड़ जाएगा, और पहले पूड़ी निकाल लेंगे तो के लिए धोना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले पूड़ी बना लेते हैं, फिर आप लोगों को जब शगुन को तैयार करेंगे उस वक्त दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि ये शगुन के स्कूल से ये नोटिस मिला है कि आज इन लोग के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इतना कुछ लेकर के जाना है शगुन को, है ना, लंच के लिए। शूज पहने बेटा, पहनो शूज पहनो, ये वाला सॉक्स निकाल दो गंदा वाला, वो वाला पहन लो वाइट वाला सॉक्स, इसको बाथरूम में रख देना, कुछ नहीं करा, जा 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 जा। तो ये देख लिया आप लोग, ये है। तो इसके लिए मैंने यहाँ दो पूड़ी डाल दिया, और ये लंच में, और ये आलू और पटल का, आलू पटल फ्राई करके इसका सब्जी बनाए और पैक कर दे रहे। और इस स्वीट है, इसके दादा लेके आए थे, तो वही वाला स्वीट अभी दे दे रहे हैं। नो नो बेटा, नो नो। तो ये बोली कि मम्मा थोड़ा हमको ज़्यादा ही दीजिएगा, क्योंकि हमको अपनी फ्रेंड लोग से शेयर करना है। तो बोले चलो कोई नहीं, हाँ चार दे दे रहे हैं। ये अपनी मैम लोग को खिलाना भी चाहती है। तो पैक हो गया फाइनली इसको। तो तुम खा भी लेना, लंच दिए है तो। और स्कूल में इधर ही रहो, और स्कूल में इसका फूल उल मांगा गया है रंगोली बनाने के लिए, तो घर में तो फूल नहीं खिला है एक भी, तो एक ही ना खिला, एक से थोड़ा ना बनेगा, एक ही उड़ूल खिला है। तो अभी इसके पापा को बोले हैं कि दुकान से इसको फूल का माला दिला देने के लिए, और थोड़ा सा फूल, टूटा उटा फूल, वो सब दिला देंगे, तो इसका दिवाली अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घर में तो इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे ना। तो इसके लिए शगुन को हम लोग चाह रहे कि वो अपना वहाँ स्कूल में मना ले, और शायद स्कूल में आज इसका आखिरी दिन भी हो, शायद, कंफर्म नहीं है, तो हो सके अगर लंबी छुट्टी छठ तक हो जाएगी तो फिर ले जा बेटा बैग ले जा लो। तो शगुन को लग गया पोटी, उसको हमेशा स्कूल जाते समय ही पोटी लग जाता है लास्ट टाइम पे, क्योंकि उसको खाना ना हम यहाँ तक खिला के भेजते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते, वो स्कूल से लंच बॉक्स वापस रिटर्न करके लाती है, तो इसलिए हम यहीं पे एकदम ठूस ठूस के खिला देते कि जा, नहीं भी खाएगी तो 1 बजे तक तुम्हारा चलेगा, बैकअप देगा, तो ये पोटी करके आएगी तो फिर बैग टांगेगी। बाय बेटा, खुश रहो सोनू, जा अब खा लेना लंच। हाँ बेटा, तुम्हें दौड़ा दौड़ी नहीं करना, गिर जाएगी। हाँ, और रंगोली बना, सुनो सुनो, अच्छा हम टीचर को फोन कर लेंगे, टीचर को बोलना कि प्लीज मैम आज मेरे स्कूल में लास्ट डे है, तो प्लीज मेरा आप लोग के साथ फोटो खींच दीजिए, ठीक है, मम्मा बोल रही है। फोन ऑन करके नहीं बोलना, लास्ट डे फर्स्ट डे ऐसा कुछ।
तो स्कूल जा चुकी है सगुन और फिर मैं जा रही हूँ काम करने। लेकिन जल्दी जल्दी में ना बाबू का रोटी नहीं बना पाया, आटा गुथा हुआ ही है तो उसको छोड़ दिए हैं। तो जा रहे हैं, पहले बाबू का रोटी बना लेंगे, फिर ब्रश करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख लग गया है सुबह सुबह। रात में भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया थे तो खाना खाएंगे और बाबू को नहलाना है। तो हम तो नहीं नहला पाएंगे गर्म पानी करके, फिर वहाँ तो अभी रिक्वेस्ट किए हैं कि थोड़ा सा नहा के जाइएगा। हेलो दोस्तों, तो बज गए हैं 10 के पापा ऑफिस जा चुके हैं, बेटी स्कूल जा चुकी है और आप लोग इधर देखिए 2 पजामा मंगाए हैं बाबू का, अभी फ़िलहाल डेमो के लिए लाया गया है और फिर 4-5 पजामा और मंगा लेंगे ताकि इसका ठंडा निकल जाए। और ये 3-4 जोड़े सॉक्स है ना, तो सॉक्स का नहीं पता मतलब कितना लिया है, मगर ये पजामा 150 का दिया है, 150 का 2 दिया है। तो मुझे क्वालिटी अच्छा लगा, मतलब ठीक है, ठंडा निकल जाएगा आराम से, तो 4-5 और मंगा लूँगी तो हो जाएगा ठंडा। बहुत मुश्किल है, बच्चा हर 5 मिनट में टॉयलेट करता है, उसके लिए तो 1000 पजामे भी कम पड़ जाएंगे। अभी डायपर पहना दिए हैं ताकि गीला ना करे, क्योंकि 2 ही पजामा है और ठंड इधर लग रहा है और शुरुआत का ठंड है। हम चाहते हैं कि एकदम अच्छे से बचा के चले, बहुत दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो सगुन आ गई है स्कूल से और खाना भी खा ली है और इधर ड्रेस फेंक दी है, इधर बैग फेंक दी है और इधर पूरा कचरा। हम लोग तो अब ब्लैंकेट मिलेगा ही मिलेगा बेड में क्योंकि ठंडे का मौसम आ गया। और इस रूम का पंखा कल खुल चुका है और यहाँ से होम थिएटर था वो हट चुका है, मतलब घर हम लोग का पूरा कबाड़ हो गया है, है ना सगुन? बताओ आज क्या क्या किया स्कूल में? स्कूल में हम छुरछुरिया जलाए, बहुत मस्त है, फटाखा ला रहा था ना, फटाखा लाए थे इतनी वो छोटा सा था जो इसको पटकते और फूटने जाते हैं, पैर रख के फूटते और फूटता ना, फूटता ना लहसुन के टाइप का रहता है कोई भी रंग का, समझे? वही वाला फटाखा लाया था खाई थी पूरा तब सुबह सुबह। इसके लिए बताइए, हम 6 बजे उठ के किचन गए, पूरी बनाए और ये लड़की नहीं खाई, आधा पूरी खाई है। अब मिठाई खाई थी, एक ठो खाई थी, बताइए एक ठो नहीं, एक ठो बचा हुआ है। आ, खुद्या, गिर गया सिंदूर भी, ले लो लेके रखो रखो, तो उसी तरह क्यों रे गधा, बोलो हैप्पी दिवाली अंकल आंटी। हैप्पी दिवाली अंकल आंटी, अंकल आंटी आप लोग अपना सामान चोरी मत करवाएगा क्योंकि दिवाली में बाहर चोर घूमता है। अंकल घर में हल्ला भी मत करिएगा और लाइट मत जलाइएगा इतना ज्यादा, वरना चोर को सब दिख जाएगा, समझ गए ना? ज्यादा लाइट आप लोग मत जलाइएगा, चोर को दिखेगा तो आपके घर चला जाएगा ना सगुन। तो सगुन स्कूल में आज दिवाली मना के आई है, तो हम अभी आप लोग को फोटो दिखा रहे हैं, तो आप लोग इसका फोटो देखिए और इंजॉय करिए।